मैं बात कर रही हूँ सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक या सन प्रोटेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि इसे कहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल है आपकी डेली रूटीन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है उसका कलर खराब ना हो, उसकी टोन अच्छी रहे और वेल मेंटेन्ड रहे, इवन रहे, और आपकी स्किन जो है वो बुरी ना हो, उसके ऊपर एजिंग के जितने भी इफेक्ट्स हैं, जिसमें ओपन पोर्स हैं, जिसमें अनइवन टोन है, उसमें सन स्पॉट्स भी आ सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैग, ये सब कुछ ना हो, तो इससे बचने के लिए भी आपको एक ही चीज रिक्वायर्ड है जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज योर सन प्रोटेक्शन। अभी सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके सन ब्लॉक के बारे में इतने सारे मिथ्स हैं, तो पहले हम मिथ्स जो है ना उनको बस्ट कर लेते हैं। और जो मिथ बस्टर्स होते हैं ना वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती, मैं तो सारा दिन घर में होती हूँ, तो मुझे तो सनब्लॉक की जरूरत नहीं है। जी, आपको भी सनब्लॉक की जरूरत है। सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि जब आप इनडोर्स होंगे तो आपका जो री एप्लीकेशन का टाइम, यानी कि सनब्लॉक को दोबारा लगाने का टाइम ड्यूरेशन होगा, वो 5 आवर्स होगा। ठीक है, अगर कोई बाहर रहता है, आउटडोर्स है या बाहर क्या हुआ है, तो फिर आपका जो सन प्रोटेक्शन या सन ब्लॉक को दोबारा से रीअप्लाई करने का या रिपीट करने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो छोटा हो जाएगा, और आप हर 3.5 से 4 घंटे के बाद उसको दोबारा लगाएंगे। उसी तरह अगर आप बीच पे होंगे, बीच पे गए हुए हैं, या पानी के पास हैं, या फिर जो है वो स्नो वाला एरिया है या फिर डेजर्ट वाला एरिया है, तो वहां पे भी यही होगा कि आपका जो रिपीट टाइम होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट इंटरवल्स के बाद आप सनब्लॉक को दोबारा लगाएंगे, जैसे आप हर 2.5 से 3 घंटे के बाद सनब्लॉक को दोबारा लगाएंगे। और ये मैं अच्छी प्रोटेक्शन वाले सनब्लॉक्स की बात कर रही हूँ। तो बीच वगैरह पे हों या सैंड जहां पे हो उधर आप हों, या जहां पे स्नो हो उधर आप हों, तो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो एप्लीकेशन का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो शॉर्ट हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सनब्लॉक को रीअप्लाई करेंगे। फिर एक और चीज आती है, आजकल तो सूरज ही नहीं निकलता, आजकल तो धूप ही नहीं होती है। भाई धूप नहीं है तो क्या हुआ, सूरज तो निकला हुआ है तो दिन हुआ है ना। सुबह होने का मतलब क्या है, अगर सूरज निकलेगा तो सुबह होगी ना, तो सुबह हो गई तो इसका मतलब है कि सूरज तो निकल आया है। अब जो सूरज की श्वाएं हैं या फिर जो रेडिएशन है, सन रेज हैं, वो तो नीचे वैसे ही आ रही हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि धूप नहीं है और मौसम ठंडा है तो आपको सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे मौसम में भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे ही होता है। उसके बाद आ जाता है कि जी मैं तो क्या कहते हैं, किचन में ऐसा कोई काम ही नहीं करती हूँ तो मैं सनब्लॉक क्यों लगाऊं। जी, आपने भी सनब्लॉक इसीलिए लगाना है कि सनब्लॉक लगाना जरूरी है। जो सन रेज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक UVA और UVB। UVC भी होती है, लेकिन UVC जो है वो उसको ओजोन लेयर और वो सब चीजें जो है ना वो खुद ही रोक देती हैं, नेचुरल प्रोसेस ही होता है तो उसके अंदर वो रुक जाती है। लेकिन जो आपकी UVA UVB है वो नहीं रुकती है। UVB जो है वो विंडो ग्लास के बाहर तक रहती है, बट जो UVA है वो विंडो ग्लास से अंदर आ जाती है। तो इसलिए प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। और इससे अच्छी क्या बात है कि हम एक चीज यूज करके अपनी स्किन का कलर, उसका टोन और उसकी एजिंग को दूर रख सकते हैं और होने नहीं दें और उसको प्रिकॉशन दे दें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है, मेरी स्किन को सनब्लॉक सूट नहीं करता। भाई ढेरों ढेर हजारों तरह के सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो सूटेबल होगा आप वो यूज कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई सनब्लॉक नहीं है कि वो आपकी स्किन टाइप पे या आपकी स्किन पे के लिए सूटेबल ना हो। डिफरेंट तरह के सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं, तो आपकी जो भी स्किन टाइप है या जो उसकी स्किन आपकी स्किन को सूट करता है आप वो यूज कर लें। तो उसको चेंज करके यूज करना या चेक करते रहना या चेक करके लेना, या फिर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, वो देख के आपको टेलर मेड चीज आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो दे सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद आ जाता है कि आप कॉस्मेटिक कम सनब्लॉक खरीद लेते हैं। जैसे आपने कहा कि जी मैं तो आपसे हमने पूछ जैसे मैं आपसे पूछूं आप मेरे पास आए मैं आपसे पूछूं कि आप सनब्लॉक लगाती हैं, तो आप कहती नहीं नहीं मैं बीबी क्रीम लगाती हूं, उसमें जो है ना वो 19 SPF है। अब 19 SPF जो है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता।
तो आपको ये पता होना चाहिए, या फिर लोग बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज का नाम लेते हैं कि मैं इस कंपनी का सनब्लॉक लगाती हूँ, ठीक है। आपने कॉस्मेटिक कंपनी का बना हुआ सनब्लॉक नहीं लगाना, आपने मेडिकल ग्रेड का बना हुआ सनब्लॉक लगाना है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन जो है वो ही तो सब कुछ है। अगर आप अच्छे वाला नहीं लगाएंगे तो प्लीज ना ही लगाएं, क्योंकि उसका कोई फायदा होने नहीं वाला। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिथ है कि जी आप सनब्लॉक लगा रहे हैं, मैं तो वही वाली चीज लगाती हूँ जिसके अंदर सनब्लॉक डला हुआ होता है, उसमें कितना SPF लिखा हुआ है, जी उसमें 19 SPF लिखा हुआ है, उसमें 20 SPF लिखा हुआ है, That is not enough, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप मेडिकल ग्रेडियंट का जो सनब्लॉक होता है वो ही आप यूज करें, ठीक है। मतलब मेकअप बनाने वाली कंपनी का नहीं, दवाइयां बनाने वाली कंपनी का सनब्लॉक आपने यूज करना है। एक ये वाली मिथ हो गई। अब मैंने जितना जितना मुझे याद आ रहा है, या जितने क्वेश्चंस जो हैं या जितनी क्वेरीज मेरे सामने आती हैं इतने सालों से आ रही हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपसे बात की है, ताकि आप लोगों की बहुत सारी जो भी क्या कहते हैं मिथ्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे नहीं होता। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि सनब्लॉक जो है वो मेल नहीं लगाएगा, फीमेल की कोई चीज़ है कि वो लगा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल, बल्कि मेल जो होते हैं वो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी करते हैं हमारे यहाँ, तो उनको ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कम की नहीं बल्कि ज़्यादा सन प्रोटेक्शन की जो है वो ज़रूरत है। अच्छा जी, ये तो हो गए मिथ बस्टर्स, और मिथ बस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। हो सकता है आपने किसी से ये क्वेश्चन ना किया हो, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हैं तो सुनते सुनते ही आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं बगैर क्वेश्चन पूछे भी, ठीक है जी।